सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम के बारे में, जो कि स्किन एलर्जी और स्किन रिएक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जानेंगे क्या क्या इसकी यूज है पूरे विस्तार से, क्या नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है, किन किन मरीजों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लगाने का सही तरीका और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की एक दवा है, जो कि आपको स्किन इन्फ्लामेशन तथा स्किन एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह क्रीम की जो स्ट्रेंथ है वो आपको वेट बाय वेट के अनुसार मिलेगी, जैसा कि 0.5% वेट बाय वेट, 1% वेट बाय वेट, 1.5%, 2%, 2.5% वेट बाय वेट, ये सभी इसकी स्ट्रेंथ है, जिसको आप मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन खरीद के यूज कर सकते हैं, मतलब एज ए ओटीसी प्रोडक्ट इसको यूज कर सकते हैं। इसके जो हायर स्ट्रेंथ है, जिसमें 5% वेट बाय वेट तथा 10% वेट बाय वेट है, उसे आप बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ही नहीं खरीद के यूज करें, क्योंकि बहुत ही घातक उसके साइड इफेक्ट है, गलत दुष्परिणाम है। और जो ये क्रीम है बिल्कुल व्हाइट कलर की आती है, और जो इसकी पैकिंग है उसमें 15 ग्राम की पैकिंग, 30 ग्राम की तथा 50 ग्राम की क्रीम पैकिंग में अवेलेबल है। हाइड्रोकॉर्टिसोन इस क्रीम का जेनरिक नाम है। साथ ही जब भी आप कोई क्रीम खरीदते हैं तो हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले इसकी ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या नाम से आपको मेडिकल स्टोर मिल जाएगी। कुछ पॉपुलर ब्रांड इसकी जैसे लाइकोर क्रीम है, क्यूटीसॉफ्ट क्रीम, कार्टीजोन क्रीम, कार्टीसोन क्रीम, इन दोनों में सिर्फ जेड और एस का फर्क है। इसके अलावा HC45 एंटी इच क्रीम, ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड्स है, और हो सकता है आपके एरिया में कुछ अलग नाम से भी मिले वो, क्योंकि जो दवा का नाम रहता है, जो ब्रांड्स रहते हैं एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है, लेकिन जो दवा रहती है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम ही रहेगी। इसके अलावा इसमें क्लोट्रिमाजोल कॉम्बिनेशन से भी कई कंपनीज बनाती है, जैसे कैनेस्टीन क्रीम है उसमें क्लोट्रिमाजोल तथा हाइड्रोकॉर्टिसोन कॉम्बिनेशन में रहता है। आप बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं, इन सभी का वर्क एक ही होता है और एक ही जगह दूसरी दी जा सकती है, लेकिन यदि हाइड्रोकॉर्टिसोन प्लेन से दूसरी जगह कॉम्बिनेशन की नहीं दे सकते, सिर्फ हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट ही आपको लेनी होती है। अब ब्रांड नेम जानने के बाद इसकी यूज की तरफ बढ़ लेते हैं, क्या क्या इसके यूज होते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था, स्किन इन्फ्लामेशन तथा स्किन एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक्जिमा हो जाए, मतलब किसी व्यक्ति को खुजली की समस्या हो जाए, स्किन पे रेडनेस हो जाए, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाए, तो उस समय यह क्रीम लगाने पे बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और साथ ही डर्मेटाइटिस यदि किसी व्यक्ति को हो जाए, मतलब स्किन पे सूजन आ जाना, वो भी स्पेशली आपको स्किन फोल्ड जहाँ पे, मतलब गर्दन के यहाँ पीछे, कोहनी के जस्ट ऊपर पाँव में, वहाँ पे अगर आपको स्वेलिंग आ जाती है, तो यदि क्रीम लगाई जाए बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। साथ इंसेक्ट बाइट यदि किसी व्यक्ति को हो गया, किसी छोटे कीड़े ने उसको काट लिया है और वहाँ पे उसको स्वेलिंग सी हो गई है, जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, दर्द भी हो रहा है, तो यदि हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम लगाई जाए तो बहुत ही अच्छा मरीज को फायदा मिलता है। और यदि कोई पेशेंट है जिसको एक्सटर्नल ईयर का इन्फ्लामेशन हुआ है, मतलब कान के बाहरी भाग में इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन आ गई है, तो उसे भी ठीक करने के लिए क्रीम बहुत ही उपयोगी है। और कई बार दोस्तों व्यक्ति को लंबे समय तक खुजली चलती है, तो स्किन के उस पार्ट पे छोटी छोटी सी गांठें हो जाती है, और जो स्किन का वो पार्ट है बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी यह दवा बहुत ही अच्छी उपयोगी है। साथ ही सोराइसिस यदि किसी व्यक्ति को हो रखा है, तो डॉक्टर द्वारा ये क्रीम उसको मरीज को दी जाती है और बहुत अच्छा उसे फायदा मिलता है। और बच्चों में भी इसका यूज है दोस्तों। जब बच्चों में नेपी रेसेस हो जाते हैं, मतलब नेपी पहनने के कारण उसको निशान पड़ जाते हैं उसके, तो उस समय उसे यह क्रीम दी जाती है। लेकिन यदि किसी बच्चे को नेपी रेसेस किसी इन्फेक्शन के कारण हुए, तब ये क्रीम बिल्कुल ही काम नहीं करती। ओवरऑल दोस्तों, किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन तथा एलर्जिक रिएक्शन हो, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, और इनके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसके बहुत सारे यूज लेते हैं। अब जान लेते हैं किन किन मरीजों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए, नहीं यूज करनी चाहिए।
वो मरीज जो पास्ट में कभी हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम से एलर्जिक रहा है या किसी भी कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम से एलर्जिक रहा है तो उसे इस क्रीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन है, जैसा कि स्किन पे उसको दाद हो गए हो, उसको दाद के कारण खुजली चल रही हो, साथ ही उसको एक्ने हो गए, जी हाँ दोस्तों यदि किसी को एक्ने हो गए हो इन्फेक्शन के कारण, तो उसमें यह क्रीम बिल्कुल काम नहीं करती। कई सारे दोस्त पूछते हैं क्या इसे एक्ने में यूज कर सकते हैं, दोस्तों बिल्कुल ही मत करना, ये आपको बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट दे सकता है। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसके फेस पे रेडनेस हो गया है वहां पे भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यदि किसी को चिकन बॉक्स के ब्लिस्टर्स हुए हैं तब भी ऐसी स्थिति में इस क्रीम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और यदि कोई बच्चा है या कोई नवजात शिशु है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई स्वेलिंग आ गई हो स्किन की और हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम यूज कर रहे हो, तो मैक्सिमम उसको 7 डेज तक यूज करें, उससे ज्यादा उसको यूज नहीं करें, बच्चे को प्रॉब्लम कर सकती है। और प्रेगनेंसी तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में ये डॉक्टर से पूछ के आप इसको यूज लें क्योंकि कुछ साइड इफेक्ट कर सकती है। ये कुछ सावधानी या कॉन्ट्राइंडिकेशन आप जरूर से ध्यान रखें। अब जानते हैं किस तरह से इसको लगाना होता है। वैसे तो जो टॉपिकल क्रीम सभी लगाते हैं उसी प्रकार से इसको लगाना होता है। सबसे पहले आपको जो अफेक्टेड एरिया है उसको ड्राई करें और पर्टिकुलर उस एरिया पे इस क्रीम की एक थिन लेयर लगा दें। और ये जो लेयर है दिन में 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं। और यह लेयर लगाने के बाद उस जगह को आप कपड़े से साफ होने से बचाएं। साथ ही जितना डॉक्टर ने आपको लगाने के लिए कहा है 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए उतना लगाएं, उससे ज़्यादा नहीं लगाएं क्योंकि आपको नुकसान कर सकती है। दोस्तों ये इसका तरीका था। अब वीडियो को लास्ट में जान लेते हैं क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम है तो हर व्यक्ति को ये बिल्कुल सूट नहीं होती है। स्किन एलर्जी का जो रिएक्शन है जिसके लिए हम इसको लेते हैं उनका बढ़ जाना इसके एक साइड इफेक्ट है। जैसे स्किन पे हाइव्स हो जाना, स्किन पे रेडनेस, खुजली का बढ़ जाना, सूजन आ जाना, ये इसके इंस्टेंट साइड इफेक्ट है। इसके अलावा जिस जगह पर आप इसको लगाते हैं जब वहाँ व्यक्ति को जलन सी हो सकती है और दर्द हो सकता है, साथ ही उस जगह पे जो स्किन है वो पतली हो जाएगी और उस जगह पे व्यक्ति को बाल उगना भी शुरू हो सकते हैं। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इसके अलावा भी लॉन्ग टर्म में व्यक्ति की जो होंठ है उसमें सूजन आ सकते हैं, उसकी श्वास में परेशानी हो सकती है। तो ये कुछ अगर साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिले तो इस क्रीम को लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि उस साइड इफेक्ट का कुछ इलाज किया जा सके और फ्यूचर में इसका आप प्रयोग नहीं करें। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम के बारे में आपको बताई। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दो। जो पास में बेल आइकन है इसे भी दबा दे जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, सबसे पहले मेरे वीडियो आप देख पाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ और देख रहे थे अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।